हमास और इसराइल के युद्ध की चिंगारी जापान तक पहुंच चुकी है। रेड सी यानी कि लाल सागर के मिस्ट्री ने इस वक्त इसराइल और अमेरिका को बहुत ज्यादा डरा दिया है। 10 मिनट के कमांडो ऑपरेशन ने वर्ल्ड वॉर का बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। हेलीकॉप्टर एक जहाज के ऊपर मंडरा रहा है। हेलीकॉप्टर की कोशिश है कि वो किसी तरह शिप पर उतर जाए। खतरा बहुत ज्यादा है। हेलीकॉप्टर के पिछले रैंप वाले दरवाजों पर 2 झंडे लगे हैं। 1 है यमन का झंडा और उसके नीचे है फिलिस्तीन का फ्लैग। ये लाल सागर है, दुनिया इसे रेड सी के नाम से जानती है। आखिर यहाँ रेड सी में क्या हो रहा है? हेलीकॉप्टर किसी तरह जहाज की रफ्तार से रफ्तार मिलाकर आगे बढ़ता है और इस शिप पर उस जगह पर पहुंचता है जहाँ ये जहाज पर उतर जाए। लेकिन अचानक इस हेलीकॉप्टर से कमांडो निकलने शुरू हो जाते हैं। जहाज पर हमला होता है और ये कमांडो जहाज पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। AK-47 और बाकी हथियारों से लैस के कमांडो जहाज पर आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर फौरन जहाज से उड़ जाता है। क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। ये कमांडो जल्दी से जल्दी जहाज के ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिज यानी वो जगह जहां से पानी के जहाज को कंट्रोल किया जाता है। शिप के स्टाफ की तरफ राइफल ताने ये सभी हमलावर जहाज के ब्रिज में दाखिल हो जाते हैं और फिर क्रू मेंबर्स हैंड्स अप करके हमलावरों की इस टीम के आगे सरेंडर कर देते हैं। रेड सी में चलते हुए जहाज पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये हमला रेड सी की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गया? 2 मिनट के अंदर कैसे पूरे जहाज को इस कमांडो टीम ने अपने कब्जे में ले लिया और इनका मकसद क्या है? शिप के ब्रिज पर कंट्रोल करने के बाद इन हमलावरों का कब्जा बाकी जहाज पर होने लगता है और फिर लगते हैं वो नारे जो यमन के हूती विद्रोही अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लगाते हैं। ये है जहाज गैलेक्सी लीडर जो लाल सागर से गुजर रहा था और अब यमन के हूती विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है। उसके चारों तरफ उनकी स्पीड बोट है। जहाज पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। यमन में बैठे हूती विद्रोहियों की सरकार का दावा है कि उसने इसराइल के जहाज को टारगेट किया है और ये गाजा में बमबारी का बदला है और ऐसे हमले होते रहेंगे। أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة وتهيب بكل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن المملوكة لإسرائيليين. बीच समंदर में ये ऐसा कमांडो ऑपरेशन है जिसे इसराइल के लिए 7 अक्टूबर 2023 के बाद दूसरा बड़ा झटका कहा जा रहा है। और ये भी कि रेड सी अब इसराइल के बरमूडा का ट्रायंगल बन गया है। बरमूडा ट्रायंगल वो जगह है जो दुनिया भर के समुद्री जहाजों के गायब होने की जगह के तौर पर बदनाम रही है। लाल सागर का खतरा इसराइल और अमेरिका पर बुरी तरह मंडराने लगा है। रेड सी में यमन के हूती विद्रोही वो कर रहे हैं जो अब तक बाकी अरब देशों ने सोचा भी नहीं था। लेकिन इनमें सबसे बड़ा पेच यह है कि इसराइल ने इनकार कर दिया है कि उसका इस शिप से कोई लेना देना भी है। गैलेक्सी लीडर जहाज का रिकॉर्ड बताता है कि यह कार सप्लाई करने वाला शिप है जो 48,000 टन तक वजन के साथ चलता है। इस जहाज के मालिकों को रे कार कैरियर्स नाम की कंपनी से जोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि यह कंपनी इसराइल के कारोबारी अब्राहम रामी उंगर ने बनाई थी, इसलिए हूती विद्रोहियों को लगा कि यह जहाज इसराइल का है। लेकिन जहाज के मालिक एक ब्रिटिश कंपनी है और अभी इसका संचालन जापान की एक कंपनी करती है।当事者である報酬派への直接の働きかけに加え、サウジ、オマーン、イラン等の関係国に対して
इसका मतलब साफ है, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में अब सिर्फ अमेरिका, ईरान और अरब देश ही नहीं बल्कि यूरोप से लेकर जापान तक फंस सकते हैं। इस युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है। जैसा कि शुरुआत से खतरा बताया जा रहा है, गैलेक्सी लीडर के क्रू मेंबर्स में कई देशों के लोग शामिल हैं। इसमें बुल्गारिया से लेकर फिलीपींस, मैक्सिको और यूक्रेन के कर्मचारी भी हैं। और इस वक्त ये सभी हूती विद्रोहियों के कब्जे में हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी दावा कर चुके हैं कि इस जहाज के स्टाफ में कोई भी इसराइली नहीं है। हालांकि यमन, जो इस वक्त गाजा में चल रही बमबारी को लेकर बहुत गुस्से में है और जहां रोजाना इसराइल के खिलाफ हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां बैठी हूती सरकार का दावा है कि उसने इसराइली शिप को ही कब्जे में ले लिया है और इसराइल अब सिर्फ डर की वजह से पीछे हट रहा है। عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيادها إلى الساحل اليمني. إن القوات المسلحة اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم ديننا الإسلامي. शिप को लेकर हूती विद्रोहियों के दावे गलत हो सकते हैं, लेकिन ये मिसाइल अटैक साबित करता है कि यमन अब इसराइल के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा खोल चुका है। यमन से फायर की जा रही मिसाइल और ड्रोन दक्षिणी इसराइल को टारगेट कर रहे हैं। सवाल है, क्या अब यमन होगा इसराइल का अगला टारगेट? क्या इसराइल अब यमन में भी गाजा जैसा ऑपरेशन चलाएगा? और हमास के बाद यमन के हूती विद्रोहियों पर इसराइल की सेना टूट पड़ेगी? कुल मिलाकर इस वक्त रेड सी की मिस्ट्री इसराइल और अमेरिका के लिए बरमूडा ट्रायंगल वाला खतरा बन चुकी है। इसराइल दावा कर रहा है कि गैलेक्सी लीडर को ईरान की शह पर ही अगवा किया गया है और ईरान ही इस हाईजैक का मास्टरमाइंड है। تامزنی ها باطل و ناشی از شرایط بغرنجی است که رژیم صهیونیستی با آن دست به گریبان. रेड सी की मिस्ट्री के पीछे मास्टरमाइंड कोई भी हो, इसका सबसे खतरनाक मकसद बाइडन और नेतन्याहू को साफ साफ नजर आ रहा है। बाइडन को लाल सागर में तूफान नजर आ रहा है, तो नेतन्याहू को लग रहा है कि उन्हें गाजा और लेबनान के बाद तीसरे युद्ध में फंसाने की साजिश शुरू हो गई है। रेड सी की मिस्ट्री अब गाजा में चल रही बमबारी का बहुत बड़ा बदला कही जा रही है। इसराइल और अमेरिका को बड़ी चुनौती 4H से मिल रही है। ये चारों H इसराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों H को ईरान का पूरा समर्थन है। H से हमास, जिसने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इसराइल को कड़ी टक्कर दी है। H से हिजबुल्ला यानी लेबनान का मिलिशिया, जिसने इसराइल के उत्तरी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। एच से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, जिसने इराक और सीरिया में अमेरिका के अड्डों पर हमले किए हैं। एच से हूथी यानी यमन का विद्रोही गुट, जिसने लाल सागर पर गुजरने वाले हर इजरायली शिप को टारगेट पर रख लिया है। Seizure of the motor vessel Galaxy Leader in the Red Sea is a flagrant violation of international law. We demand the immediate release of the ship and its crew, and we will consult with our allies and UN partners as appropriate on next steps. इस वक्त लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर ऐसा युद्ध चल रहा है कि गाजा में हो रहे हमले छोटे लगेंगे। देखिए हिजबुल्ला ने कैसे बुरहान मिसाइल से इजराइल के अड्डे पर बहुत करीब से हमला किया। पहले मिसाइल फायर और कुछ दूरी पर इजराइल के अड्डे पर ये जाकर बिल्कुल सटीक जगह पर गिरती है। ये इजराइल के कब्जे वाले इलाके में उसकी सेना के अड्डे की हालत है। जहां मिसाइल गिरी उस जगह की हालत देखिए, लग रहा है कि इजराइल का पूरा मिलिट्री अड्डा तबाह हो गया है। तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि यहां कैसे बर्बादी हुई है। हिजबुल्ला ने अपनी छोटी दूरी की बुरहान मिसाइल से बहुत बड़ा नुकसान किया है। हिजबुल्ला ने अपने सबसे खतरनाक स्नाइपर फोर्स उतार दी है। हिजबुल्ला ने अपने एंटी टैंक दस्तों को इसराइल की पोस्ट पर लगातार हमलों का ऑर्डर जारी किया है। इसराइल के कई शहर टारगेट पर हैं। गाजा में बमबारी के खिलाफ हिजबुल्ला और हूती दोनों ने अपना हथियार गोदाम खोल दिया है। यमन अब इसराइल के समुद्री जहाजों को भी टारगेट कर रहा है, लेकिन ऐसे हमलों और गाजा पर बमबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वॉर ट्रायंगल तैयार किया है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है।
नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्ला का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी इसराइल के बॉर्डर तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि सीरिया पर इसराइल की एयरफोर्स ने हमले तेज कर दिए हैं। ये तीनों जगह इसराइल के बॉर्डर से लगी हुई हैं और इसराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। इस वक्त पश्चिम एशिया में जो भी हो रहा है वो दो कैंपों के बीच चल रहा है, एक तरफ इसराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ है ईरान और उसके साथी मिलिशिया। फिलहाल हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में जो कोहराम मचाया है उसका जवाब इसराइल की तरफ से आना बाकी है। अगर इसराइल ने हमला किया तो समझ लीजिए पूरा पश्चिम एशिया जल उठेगा, ये अमेरिका भी बहुत अच्छी तरह से जानता है।